क्या आप जानते हैं कि भीम का घमंड हनुमान जी ने कैसे तोड़ा था? महाभारत में भीम को अति शक्तिशाली बताया गया है। उनके पास 10,000 हाथियों का बल था, जिसके कारण शत्रु इनसे भयभीत रहते थे। भीमसेन मल्ल युद्ध में पारंगत थे और उनका अस्त्र गदा था। बताया जाता है कि भीम को अपने बल पर बहुत अभिमान हो गया था। उनके इसी घमंड को हनुमान जी ने चूर चूर करने के लिए एक योजना बनाई। द्रौपदी के कहने पर भीम कमल पुष्प लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर स्थित कमल सरोवर के पास गए तो वहां उन्होंने देखा कि उनसे पहले हनुमान जी रास्ते में लेटे हुए थे और उनकी पूंछ रास्ते को घेरे हुई थी। भीम उसे लांघकर जाना नहीं चाहते थे। भीम ने हनुमान जी से कहा कि वे अपनी पूंछ को रास्ते से हटा ले ताकि वे आगे जा सके। हनुमान जी मुस्कुराते हुए भीम की बातों को अनसुना कर देते हैं। फिर भीम हनुमान जी को अपनी पूंछ हटाने के लिए कहते हैं। भीम को यह बात ज्ञात नहीं था कि वो वानर श्रेष्ठ हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने कहा, तुम तो बलशाली हो, खुद ही मेरी पूंछ हटा दो और आगे चले जाओ। भीम इस बात से चिढ़ गए और हनुमान जी की पूंछ हटाने लगे। पहली बार में पूंछ टस से मस भी ना हुई। फिर भीम ने पूरी ताकत लगाकर पूंछ को हटानी चाही, लेकिन वो पूंछ को हिला भी ना सके। हनुमान जी ने भीम के बलशाली होने के घमंड को क्षण में ही तोड़ दिया। जब भीम थक गए और हार गए, तब उनको लगा कि यह कोई आम वानर तो हो नहीं सकते। भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन देने को कहा। तब हनुमान जी मुस्कुराए और फिर अपने विराट स्वरूप का दर्शन भीम को कराए। तो ऐसे तोड़ा था हनुमान जी ने भीम का घमंड।